दोस्तों आज के दिन जो एचआईवी पेशेंट है, जो एचआईवी से इन्फेक्टेड है, उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है। देखो क्यों होने वाला है दिन, क्योंकि आज से कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। जितनी भी दुनिया के अंदर आज तक एचआईवी के ऊपर जो जो रिसर्च हुई है, जो जो वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हुई है, जो जो क्योर के ऊपर रिसर्च हुई है, ट्रीटमेंट के ऊपर रिसर्च हुई है, जितना जितना साइंटिस्टों को एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और जितना जितना जहां तक उनकी रिसर्च हुई है, उसके ऊपर आज डिस्कस होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल एक लेटेस्ट न्यूज है। आज 6 तारीख है और 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, यानी कि 6 अक्टूबर 2024 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक पेरू, यानी कि पेरू एक देश है, लीमा उसकी राजधानी है, ठीक है। तो लीमा के अंदर, यानी कि पेरू लीमा, लीमा राजधानी है, लीमा के अंदर आज के दिन यानी कि 6 तारीख से एक कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जिसके अंदर पूरी दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको एक मंच पे इकट्ठा किया जाएगा, या फिर जो नहीं आ सकते हैं उनसे फोनिक टोनिक, आजकल तो जैसे ऑनलाइन जुड़ जाते हैं ना किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो नहीं आ सकते हैं, नहीं तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट आज के दिन एक मंच पे इकट्ठा होंगे। इसको क्या नाम दिया गया है? HIV R4 Research HIV R4P। इसका मतलब है कि HIV रिसर्च फॉर प्रिवेंशन, ठीक है। HIV R4P का मतलब है HIV रिसर्च फॉर प्रिवेंशन, यानी कि HIV को रोकने के लिए उसके ऊपर रिसर्च करना, ठीक है, इसका ये मतलब है। और ये जो कॉन्फ्रेंस, जैसे कि मैंने बताया है कि लीमा, पेरू एक देश है, तो वहां पे राजधानी है उसकी लीमा, वहां पे आज के दिन जो कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है। अब इस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो इसके अंदर सबसे जो मेन पॉइंट होते हैं वो क्या चीज होती है, देखो हमें तो ये मतलब होता है कि HIV का कौन सा साइंटिस्ट अच्छी दिशा में काम कर रहा है, कौन सा साइंटिस्ट वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा है, कौन सा क्योर के ऊपर काम कर रहा है, कौन सा फंक्शनल क्योर के ऊपर काम कर रहा है, और कौन सा ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग तरह के वहां पे साइंटिस्ट आएंगे अपनी अपनी रिसर्च लेके। उस रिसर्च में देखो, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा उस रिसर्च में क्या चीज सामने निकल के आएगी, या फिर उन साइंटिस्टों के लिए ये एक मंच क्यों इकट्ठा किया, एक मंच पे सारे साइंटिस्टों को बुलाने का मकसद क्या है। देखो मकसद ये होता है, मान लो कोई एक साइंटिस्ट है और वो रिसर्च पे लगा हुआ है, और उस रिसर्च को करते हुए कोई उसको प्रॉब्लम है, समस्या है, प्रॉब्लम कठिनाई है, कुछ भी है, तो इस मंच पे आके वो डिस्कस कर सकता है कि मुझे ये समस्या है, इससे आगे मैं कैसे निकलूं। हो सकता है दूसरे साइंटिस्ट उस फेज से आगे निकल चुके हों, या फिर साइंटिस्ट ये भी बता सकते हैं एक दूसरे को, मान लो कि कोई गलत डायरेक्शन में है, तो साइंटिस्ट दूसरा साइंटिस्ट जो रिसर्चर है वो बता सकता है कि इस जिस फेज पे आप खड़े हो, यहां पे मैं भी आया था और यहां पे मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, तो आप गलत डायरेक्शन में है, इसको इस तरीके से ठीक कीजिए जब आप आगे वाले फेज में जा सकते हो। तो इससे क्या होता है, फिर साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि मैं यहां पे गलत हूं, उसको ठीक करने का एक मौका भी मिल जाता है, और उसको एक नॉलेज भी मिल जाता है, एक उसको दिशा भी मिल जाती है, ताकि HIV का जो क्योर है, ट्रीटमेंट है, वो जल्दी आ सके। और दूसरी चीज, जैसे मान लो कि क्योर पे किसी की रिसर्च चली हुई है, वो कितना नजदीक है, सबसे पहले तो सारे आपस में आमने सामने बैठेंगे और वो HIV की प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे कि इसको रोका कैसे जा सकता है। देखो सबसे पहले इनिशियली स्टेज पे इसको कैसे रोकें, सारे साइंटिस्ट आप में डिस्कशन करेंगे। अब एक चीज और होती है, मान लो एक साइंटिस्ट को एक एक चैप्टर के बारे में, एक किसी फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है,
और दूसरे को दूसरे के बारे में नॉलेज है, तो फिर इस जो कॉन्फ्रेंस है इसके जरिए दोनों का कोलैबोरेशन कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों को एक कर दिया जाएगा सहमति से। फिर वो क्या करेंगे, एक ही चैप्टर के ऊपर एक ही चीज पे फोकस करेंगे, लेकिन दोनों एक रिसर्च करेंगे। पहले वो अलग अलग रिसर्च कर रहे थे, अब एक ही रिसर्च करेंगे। इससे होता क्या है, रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और इस कॉन्फ्रेंस में देखो खाली बातचीत नहीं होती कि आपको लगता है खाली बातचीत ही होगी, इस कॉन्फ्रेंस में सबसे एविडेंस मांगे जाएंगे, एविडेंस यानी कि सबूत मांगे जाएंगे। जो भी कोई ट्रीटमेंट के बारे में बात करेगा, जो भी कोई वैक्सीन के बारे में बात करेगा, जो भी कोई क्योर के बारे में बात करेगा, सबसे पहले इसके अंदर डिस्कशन के साथ साथ प्रूफ भी मांगे जाएंगे। देखो वैसे तो कोई भी बात कर लो, चाहे एक घंटा बात कर लो, दो घंटा बात कर लो, उसका कोई मतलब नहीं होता। साइंटिस्ट से वहां पे एविडेंस मांगे जाएंगे, और जिसके एविडेंस बिल्कुल पुख्ता होंगे, सही होंगे, सही डायरेक्शन में होंगे, तो फिर उसको गति दी जाएगी उस काम को। यानी कि हो सकता है दो तीन और साइंटिस्टों को मिला के उसके साथ कोलैबोरेट करके उस चीज को जल्दी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो इस कॉन्फ्रेंस से बहुत ज्यादा उम्मीद है। इसके अलावा जो साइंटिस्ट है वो एक चीज और करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉलेज का तो वो आदान प्रदान करते ही हैं, और जो भी उनकी रिसर्च होती है उस रिसर्च के बारे में, जैसे अभी बताया था, मान लो कि एक साइंटिस्ट है वो कहीं पे कोई रिसर्च करने लग रहा है एचआईवी के ऊपर, मान लो क्योर है, मान लो वैक्सीन है, फंक्शनल क्योर है, तो उसके ऊपर मान लो उसकी रिसर्च चली हुई है, जहां भी वो गलत है, देखो वो डिस्कशन करेगा, पूरी कॉन्फ्रेंस के सामने डिस्कशन करेगा, जिस साइंटिस्ट को रिसर्च करते हुए कोई प्रॉब्लम आई हुई है तो वहां पे पॉइंट उठाएगा। अब देखो वो अगर वो खुद उसको सोल्व करने की कोशिश करेगा, हो सकता है उसे सोल्व हो ना हो, हो सकता है उसको सोल्व करने में 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन वहां पे जो पॉइंट उठाएगा, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट वहां पे होते हैं, हो सकता है दूसरे साइंटिस्टों के आगे वो प्रॉब्लम आई हो जो अभी उसके सामने आई है, तो जब वो पॉइंट उठाएगा तो दूसरा साइंटिस्ट तुरंत उस चीज को काउंटर करके ठीक करेगा, ठीक करते ही वो अपडेट हो जाएगा, फिर वो उससे आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसको वहां पे रुका रहने की जरूरत नहीं है, कि वो जब उसको पता चल जाता है तुम्हारा ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो फिर आगे की रिसर्च वो जारी कर सकता है, या फिर उस साइंटिस्ट से कोलैबोरेट करके यानी कि कम्युनिकेशन बना के रखेगा, जब भी उसको कोई दिक्कत आएगी उसको कॉल कर सकता है, उसको कोई दिक्कत आएगी वो तीसरे के पास फोन कर सकता है, कॉल कर सकता है, यानी कि पूरी दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं सभी को एक मंच पे एक कम्युनिकेशन सिस्टम सभी का दुरुस्त करना, यानी कि सभी की जानकारियां आदान प्रदान करना, कि एक दूसरे को हेल्प करना, कि ताकि एचआईवी का जो क्योर है या फिर एचआईवी की वैक्सीन है या फिर एचआईवी का ट्रीटमेंट है या एचआईवी का फंक्शनल क्योर है वो जल्दी से जल्दी आ सके। बहुत सारे साइंटिस्ट तो ऐसे भी हैं जो आजकल ट्रीटमेंट चला हुआ है एआरटी का, इंटरोरेट्रोवायरल थेरेपी, जिसके अंदर 3-4 ड्रग्स आती हैं उसको मिला के दी जाती है। पहले क्या था कि इसमें कई बार दवाइयां लेनी पड़ती थी, 3-3-4-4 बार, एक टाइम तो ऐसा था हर 2 घंटे के बाद दवाई लेनी पड़ती, एक टाइम ऐसा भी था शुरू में हर 2 घंटे के बाद दवाई लेनी पड़ती, लेकिन आज के दिन क्या है कि दिन में 1 बार दवाई लेनी पड़ती है। तो इसके ऊपर भी रिसर्च है कि और ज्यादा एनहेंस कैसे कर सकते हैं लाइफ को, या फिर ऐसा कोई है कि भाई अभी एक दिन में लेते हैं कि फिर हफ्ते में आ जाए, फिर महीने में आ जाए, 2 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर साल में, जब ये 5-6 साल से ऊपर आ जाएगा, यानी कि मान लो 5 साल में एक बार दवाई आपको खानी पड़े, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल क्योर। लेकिन देखो एक चीज और मैं थोड़ा अपडेट करना चाहूंगा, लेनाकेपावीर के नाम से एक ऐसा इंजेक्शन आया हुआ है जो 6 महीने में 1 बार आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि साल में 2 बार आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपका वायरस सप्रेस्ड रहेगा, दबा हुआ रहेगा। तो इससे क्या है, जल्दी से जो दवाइयां खाते हैं और रेसिस्टेंट होने का भी डर नहीं होता, ये जल्दी रेसिस्टेंट नहीं होगी। ज्यादातर ये लेनाकेपावीर है ना उनके लिए होती है जो दवाइयां खाते हैं और उनकी दवाइयां रेसिस्टेंट हो जाती हैं, किसी भी कारण हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, सूट नहीं करती, कई लोग बीच बीच में दवाइयां छोड़ देते हैं, किसी दूसरे ट्रीटमेंट के कारण दवाइयां छूट जाती हैं, तो किसी भी कारण जब कोई दवाई रेसिस्टेंट रहती है, रेसिस्टेंट का मतलब उसका प्रभाव खत्म हो जाता है एचआईवी के ऊपर, तो लेनाकेपावीर उसके लिए
अच्छा एक विकल्प है, लेकिन लेनकाप्रविर क्या है कि अभी के लिए बहुत ज्यादा महंगी है, हो सकता है आने वाले टाइम पे इसका रेट नीचे आएगा। देखो जितने भी मार्केट में अलग अलग कंपनियां आएंगी और वो एचआईवी के ऊपर जितनी ज्यादा रिसर्च करेंगे उतना ज्यादा जल्दी ट्रीटमेंट या फिर क्योर आने के ज्यादा चांसेस होते हैं और उतना सस्ता ट्रीटमेंट आने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जो ये कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हुई है, मैंने बताया ना, दोबारा फिर मैं इसको रिपीट करूंगा, ये जो कॉन्फ्रेंस है आज 6 अक्टूबर से शुरू हुई है, 10 अक्टूबर तक चलेगी लीमा पेरू के अंदर। तो अभी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट सामने निकल के आता है, कौन सी रिसर्च आदान प्रदान करते हैं, इसके बाद लोग अनाउंसमेंट करते हैं, साइंटिस्ट अनाउंसमेंट करते हैं, या फिर कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि हम कहां तक इसकी रिसर्च पहुंची है। जब भी इसका रिजल्ट आएगा, एक दिन में, दो दिन में, चार दिन में, जैसे 10 तारीख के बाद मुझे लगता है अनाउंस करेंगे कि कहां तक रिसर्च पहुंची है, उसके बाद हम आपको इसके ऊपर एक नया वीडियो बना के बताएंगे कि एचआईवी के ऊपर कहां तक रिसर्च पहुंची है। हम उम्मीद करते हैं कि रिसर्च का जो परिणाम है सकारात्मक रहेगा, कोई ना कोई ऐसा साइंटिस्ट निकल के आएगा कि जिसकी रिसर्च बहुत ज्यादा यानी कि पॉजिटिव वे में चली हो, जिससे उम्मीद हो कि जल्दी से जल्दी एचआईवी का क्योर आ सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी जानकारी में, तब तक के लिए धन्यवाद।